रजौरी में वार्ड नंबर 8 और 9 में लेन्स और ड्रेनेज की खराब हालत की वजह से काफी लोग परेशान हैं। वार्ड नंबर 8 और 9 में तकरीबन 3000 लोग रहते हैं। मुझे काफ़ी देर होगी, मतलब ट्यूशन के लिए मैं आता हूँ यहाँ पर, तो रोज़ आना पड़ता है। मैं रहता तो एक्चुअली खेरा में हूँ, लेकिन यहाँ से रोज़ गुजर होता है, क्योंकि ट्यूशन दिन में 2 बार तकरीबन यहाँ से आना जाना पड़ता है। रास्ते में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं स्ट्रीट्स जो है वो काफ़ी मतलब कंजेस्टेड हैं। उसके अलावा ये जो ड्रेन है इनकी हालत भी बहुत ख़राब है, इसकी वजह से यहाँ पर फ्लाइज वगैरह भी काफ़ी होती हैं। तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्मेल होती है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें रोज़ यहाँ से जाते हुए। सिर्फ एक मैं ही नहीं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 150-200, उससे भी बल्कि ज़्यादा 400-500 स्टूडेंट्स जो है रोज़ यहाँ से ट्यूशन के लिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। बाकी गलियों में टाइल्स लगी है, इस गली में टाइल लगी जो हमारे पीने वाला पानी है वो यहीं से गुजर के जाता है, और हम इल्तिजा करते हैं ये हमारे यहाँ के स्ट्रीट ये हमारी गलियों का भी ठीक किया जाए। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहोगे एज अ यूथ? हम गवर्नमेंट को यही बोलना चाहते हैं कि हमारी गलियाँ भी ठीक करें, बाकी गलियों में टाइल्स लगी हुई हैं। सबसे बड़ी मैम ये परेशानी है कि इसको हम इस मोहल्ले में खड़े हैं, ये रजौरी का वार्ड नंबर 8 मशहूर मोहल्ला है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जिस गली में लोग जा रहे हैं ये गली बहुत ही गंदी है, यहाँ पे दो मिनट पर खड़ा नहीं रहा जा सकता है। और इसमें बड़ी बात यह है कि यहाँ के छोटे उम्र के बच्चे, मतलब बड़ी उम्र के बच्चे, खासकर नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे यहाँ से गुजर होता है, कितनी स्मेल है यहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेशन की कोई यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे किसी किस्म की तवज्जो नहीं है। और जैसे आप देख रहे हो कि स्वच्छ बात चल रहा है यहाँ पे, और ये हालत है कि हमारे यहाँ पे गली में 2 मिनट के लिए खड़ा नहीं रहा जा सकता। मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रजौरी म्यूनसिपलिटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मसले को हल करें। आप भी इस मसले को हल करने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करके दबाव डालें। रजौरी से कश्मीर अनहर्ड के लिए मैं राबिया शफीक।